नमस्कार, न्यूज लॉन्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक वानखड़े। कनाडा के साथ भारत की जो तू-तू-मैं-मैं हो रही है वो अपने जगह पे, लेकिन अब इस बार मामला थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने गुरुवार को 39 वर्षीय विकास यादव के खिलाफ आपराधिक आरोपों की घोषणा की है, जो कैबिनेट सचिवालय में कार्यरत थे भारत के, जिसमें विदेश खुफिया सेवा जो है हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ में शामिल थे, और उस ऑपरेशन का नाम CC-1 था। अब ये सीधा सीधा भारत पे सवाल है। हालांकि गुरुवार को ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मामले के संबंध में अमेरिकी न्याय विभाग DOJ के अभियोग में पहचाने गए व्यक्ति पर सवाल के उत्तर देते हुए पुष्टि की कि वह व्यक्ति अब, मैं फिर से रिपीट करता हूं, वह व्यक्ति अब भारत सरकार का कर्मचारी नहीं है, अब नहीं है। हालांकि भारत में विकास यादव उर्फ CC-1 गिरफ्तार है, लेकिन FBI ने विकास यादव को वंचित भगोड़ा इस सूची में डाल दिया है। इसका आशय यह है कि अमेरिका या तो विकास यादव का प्रत्यार्पण करेगा या उसकी जांच एजेंसी आकर पूछताछ करेगी। अब FBI के जो निर्देशक है अमेरिका के, क्रिस्टोफर रे ने कहा, आरोपी एक भारतीय सरकारी कर्मचारी ने कथित तौर पर अपराधी सहयोग के साथ साजिश रची और अमेरिकी धरती पर एक अमेरिकी नागरिक की हत्या करने का प्रयास किया। इस मामले में उसका आपराधिक सहयोगी निखिल गुप्ता नामक व्यक्ति है, जिसे चेक गणराज्य से अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया। निखिल गुप्ता को गुरुवर सिंह पन्नू की हत्या के कथित साजिश के मुकदमे का सामना करने के लिए अमेरिका में प्रत्यर्पित किया गया था। निखिल गुप्ता को पिछले साल ही चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार किया था और अभी वर्तमान में जेल में बंद है। FBI के मुताबिक अमानत ही विकास है और विकास ही विकास यादव है और विकास यादव ही अमानत है, जबकि भारतीय मीडिया में शुरू में CC-1 का नाम विक्रम यादव बताया था। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मेरिक बी गारलैंड ने कहा, आज गुरुवार के आरोप दर्शाते हैं कि न्याय विभाग अमेरिकियों को निशाना बनाने और खतरे में डालने के और उनके अधिकारों को कमजोर करने के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसका हर अमेरिकी नागरिक हकदार है। FBI ने विकास यादव की 3 तस्वीरों के साथ एक वांटेड पोस्टर भी जारी किया है। FBI के मुताबिक उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट 10 अक्टूबर को जारी किया गया। अब पुन्नू मामले में 2 आरोपियों की पहचान हो चुकी है, जिसमें निखिल गुप्ता जो अमेरिका के जेल में अभी बंद है और विकास यादव जो भारत में गिरफ्तार है। अब अमेरिका में इस मुकदमे में विकास यादव का जो प्रोफाइल बताया गया है वो ये है, यादव सुरक्षा प्रबंधन और खुफिया सूचनाओं की जिम्मेदारियों के साथ एक वरिष्ठ क्षेत्र अधिकारी है। यादव ने पहले भारत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में भी काम किया है और वॉर एक्सपर्ट और हथियारों में आधिकारिक स्तर की ट्रेनिंग पाई है। यादव भारत का नागरिक है और निवासी है और उसका पीड़ित की हत्या के साजिश का निर्देशन भारत से किया था। हालांकि जो विकास यादव की तस्वीरें उन्होंने रिलीज की है वो सेना की लड़ाकू वर्दी में दिखाया गया है, लेकिन उसके पास किसी रैंक का एपोलेट नहीं है, दिखता नहीं है कुछ लगा हुआ। यह तस्वीर 9 जून 2023 की है। अमेरिकी अभियोग में कहा गया है कि ये जो मूल रूप से CRPF से थे और सहायक कमांडेंट थे, तो 18 पेज के जो चार्जशीट है उसमें न्यूयॉर्क में एक कार में डॉलर आदान प्रदान करने वाले 2 व्यक्तियों की तस्वीर भी दी गई है। और संघीय अभियोगों ने कहा
की हत्या के लिए निखिल गुप्ता और विकास यादव की ओर से एक व्यक्ति द्वारा कथित हत्यारों को पैसे दिए जा रहा था पुन्नू की हत्या के लिए। आप आरोप ये भी है विकास यादव पे कि उसने अपने साजिशकर्ता निखिल गुप्ता जो सहकारी था उसके साथ मिलके 2023 की गर्मियों में सिख अलगाववादी नेता की हत्या की साजिश रची। इसके लिए निखिल गुप्ता ने हत्या का काम करने के लिए एक व्यक्ति को काम पे रखा था, अज्ञात व्यक्ति जो FBI का मुखबिर था। इस काम के लिए 1 लाख अमेरिकन डॉलर मांगे थे। 9 जून 2023 को अग्रिम भुगतान के रूप में 15,000 अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए। अब भारत सरकार ने अमेरिकी धरती पर एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश से अपने संबंध को इनकार किया है। ये भारत सरकार लगातार स्टैंड ले रहा है और इस समिति अमेरिका की जांच करने गई थी। इस पर भारत अमेरिका ने संतोष भी जताया था, लेकिन सवाल फिर वहीं उठता है। सवाल जो इसमें मुख्य रूप से है कि यदि विकास यादव, जैसा कि अमेरिकी न्याय डिपार्टमेंट कहता है, जो चार्जशीट उन पे लगी है, ये PMO में काम कर रहे थे, रॉ के एजेंट थे, ये CRPF में थे। भारत सरकार ने कहा कि अभी वो हमारे सरकारी नौकरी में नहीं, उनको निकाल दिया गया, लेकिन क्या वो सरकारी नौकरी में थे? अमेरिका के पास जो फोटोग्राफ की बात कर रहे हैं जिसमें हत्यारे के जो कॉन्ट्रैक्ट किलर था उसको $15,000 देने की जो बात कर रहे हैं, वो फोटोग्राफ है, उस फोटोग्राफ में ये दोनों दिखाई देते हैं। प्रॉब्लम ये हो गया कि जिसको इन्होंने सुपारी दी वही FBI का मुखबिर निकला, डबल क्रॉस हुआ और उसी ने ही FBI को ये इंफॉर्मेशन दी। कुल मिलाकर यदि रॉ ने एक गेम खेला होगा तो बहुत कच्चा गेम खेला। और अब मामला गले में आ गया है। यदि हमारी प्रत्यार्पण की ट्रीटी है अमेरिका के साथ, यदि वो विकास यादव को प्रत्यार्पण करके ले गए और फिर सारी बात सामने आई कि, और ये तभी हुआ जब प्रधानमंत्री जी की यात्रा भी अमेरिका में थी। इसके पहले एक लोकल कोर्ट में इसी मामले में हमारे डोवाल साहब भी के खिलाफ भी वारंट निकला था और इसी के चलते हर विदेश यात्रा में करीब करीब प्रधानमंत्री के साथ साई के साथ जैसे चलने वाले डोवाल साहब अमेरिका नहीं गए थे। क्या हमारे जो रॉ है उनकी इतनी बड़ी एजेंटों की लिस्ट है, इतना करोड़ों रुपए का बजट है, और अभी तक जब से रॉ बनी तब से अब तक ये पहली बार हुआ जब देश की इतनी किरकिरी हो रही है कि यार रॉ का कहीं प्लानिंग फंस गया या पकड़ा गया, खासकर कनाडा में जो आरोप लग रहे हैं और 5 Eyes करके जो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जो इंटेलिजेंस गैदरिंग 5 देशों का ग्रुप है, ये भी लगातार इस बात का भारत पे प्रेशर बना रहा है कि कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन हुआ और इस ऑपरेशन में भारत सरकार इन्वॉल्व है। भारत सरकार ने कनाडा के साथ तो कड़े शब्दों में अपने ये ले लिए। एक बात भी इतनी ही सच है कि कनाडा में जो वर्तमान में सत्ता में लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं उनका भी अपनी राजनीति है। लोकल जो कनाडा में वोट बैंक है उनका एक बहुत बड़ा, जो खालिस्तान समर्थक भी माना जा सकता है, उनको वो किसी भी हालत में नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए भी वो भारत को लेके आक्रामक है। लेकिन जो बातें पिछली बार वॉशिंगटन पोस्ट में भी छापी थी कि उसमें कई नेताओं के भी नाम टेलीफोन के कन्वर्सेशन में या कम्युनिकेशन में उजागर हुए हैं, यदि ये इतने लो लेवल पे ऑपरेशन हुआ तो फिर क्या ये बचकाना ऑपरेशन नहीं था? ऑपरेशन कई देशों की एजेंसियां करती रहती है। CIA पूरे विश्व में ऑपरेशन करती है, मोजास थोड़ी विश्व में ऑपरेशन करती है, FBI विश्व में ऑपरेशन करती है, भारत की रॉ भी अपने दम पे बहुत ऑपरेशन करती थी, ये देश जानता है, हम भी जानते हैं। लेकिन पहली बार ये ऑपरेशन इतना बुरी तरह से फेल हुआ और एक जगह नहीं दो जगह कंटिन्यूशन में फेल हुआ। क्या कोई अपने जो लोग हायर किए थे उनको ये समझ में नहीं आया था कि जिसको वो कॉन्ट्रैक्ट किलर बना रहे थे वही FBI का एजेंट होगा और वो इन्फॉर्मर होगा, मुखबिर होगा और वो डबल क्रॉस करेगा? कुल मिलाकर कहीं ना कहीं बहुत ही बचकनी स्थिति में प्लानिंग हुई है और इस यदि नहीं, भारत सरकार तो मना ही करते हैं और एक
भारत के नागरिक होने की वजह से हम विदेश मंत्रालय के साथ है कि हम ये आज भी मानते हैं, और हम भी मानते हैं कि हमारे राजकीय नेताओं के जो नाम लिए जा रहे हैं वो यकीनन उसमें नहीं होंगे। लेकिन ये हुआ कैसे? अब कनाडा के साथ तो हमने पंगा ले लिया, और पूरे विश्व में कहीं ना कहीं किरकिरी भी हो रही है, क्योंकि बाय एंड लार्ज बहुत सारी देश मानते हैं कि ट्रूडो जो है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर वो झूठ नहीं बोल रहे। लेकिन हमारे यहाँ भले ही हम मीडिया को मैनेज करके खबरें लगा दें, लेकिन विश्व में जब अमेरिका जैसा देश आज यदि भगोड़ा घोषित करता है उस आदमी को जो भारत में जेल में बंद है, तो वो किस जिनके जेल में बंद है ये भी अभी पता नहीं, क्या वो प्रोटेक्टिव है ये भी पता नहीं। हमारे यहाँ कई ऐसी बातें होती है कि जो चर्चाएं हैं सर्कल में, ब्यूरोक्रेटिक सर्कल में, जो इंटेलिजेंस में लोग काम करते हैं उनके सर्कल में, कि कहीं ना कहीं छोटा राजन जो है यदि तिहाड़ में है तो प्रोटेक्टिव क्लॉज के तहत है, यदि बिश्नोई साबरमती में है तो वो भी सेफ हाउस प्रोटेक्शन में है, तो क्या ये विकास यादव भी प्रोटेक्शन में है या फिर इसे हैंड ओवर करना पड़ेगा? कुल मिलाकर अमेरिका के सामने तो जवाब देना होगा। वहां तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने आपके लोगों को निष्कासित करेंगे, वो तुम्हारे लोगों को निष्कासित करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा पंगा लेने के पहले हमें दो बार सोचना भी होगा। क्योंकि यदि उन्होंने न्यायिक डिपार्टमेंट ने यदि भगोड़ा घोषित किया है तो फिर सोच समझ के किया होगा, कुछ पुख्ता सबूत उनके पास होंगे, तो ये हमारे देश को आत्मावलोकन भी करना होगा कि ये यदि ये हुआ है तो कैसा हुआ है, और यदि अमेरिका के पास एक सबूत है तो ये सबूत कहाँ से आ गए, कौन है जो भारत के खिलाफ एक, यदि हम इसको सरकार कहती है कि साजिश है, गोदी मीडिया कहता है कि साजिश है, तो हम भी यदि माने साजिश है तो फिर साजिश कौन कर रहा है, सवाल ये है। अमेरिका में ऐसा कौन सा लॉबी होगा जो भारत विरोधी साजिश कर सकता है? पाकिस्तान तो ये नहीं कर सकता, और अमेरिकन CIA इतने तो मूर्ख नहीं होंगे कि पूरा चार्जशीट फाइल करने के लिए पूरे प्रूफ के साथ चार्जशीट फाइल होती है, और उसके बाद ही उन्होंने उसको भगोड़ा घोषित कर दिया। बाकी जगह से तो भारत सरकार साफ सुथरी निकल आएगी, लेकिन ये विकास यादव जो है वो गले की हड्डी बनता हुआ दिखाई देता है। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।